नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मिथुन लगन व कन्या राशि के लिए जून से सितंबर तक का राशिफल। आज इस वीडियो में देखेंगे कि 16 जून 2023 से 15 सितंबर 2023 तक का समय मिथुन लगन व कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं लगन व राशि दोनों से वीडियो डालती हूँ। मेरा आज का कॉम्बिनेशन है मिथुन लगन व कन्या राशि। सबसे पहले हम समझें कि मिथुन लगन व कन्या राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लगन कुंडली है, इसके पहले भाव में 3 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका मिथुन लगन है। चंद्रमा चौथे भाव में बैठा है 6 नंबर में, इसका अर्थ है आपकी कन्या राशि। यानी आपका कम्बिनेशन अगर मिथुन लगन व कन्या राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देख के लाभ उठा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जून से सितंबर तक का समय कैसा है। मेरा यह मानना है कि मिथुन लगन व कन्या राशि को अगर दोनों को मिला लिया जाए और ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो स्थिति ये बनती है कि अगर हम कैरियर के हिसाब से बात करें तो ये जो 3 महीने आने वाले वो आपके लिए बिल्कुल अच्छे जाने वाले हैं। यानी आपके कैरियर से जुड़ी शुभ घटनाएं 16 जून से 15 सितंबर लगातार 3 महीने लगातार आपको ऐसे मिलेंगे जब आपके कैरियर से जुड़ी शुभ घटनाएं घट सकती हैं। तो आपने अगर वर्ष 2023 में कैरियर को लेकर कुछ प्लान कर रखा था, जैसे आप जॉब बदलना चाहते थे तो जॉब बदल सकते हैं, वर्तमान जॉब में आप अपनी प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे थे, तो जून से सितंबर के बीच में करिए, समय काफी अच्छा है। व्यापार में किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते थे या लंबे समय से विदेश जाने के लिए सोच रहे थे तो विदेश जाने के लिए भी समय अच्छा रहेगा। जून से सितंबर के बीच में आपके कैरियर से जुड़ी शुभ घटनाएं घट सकती हैं। अगर आपको इस जून से सितंबर की अवधि के बीच में कहीं से धन आने की उम्मीद थी तो वो धन आपके पास आ सकता है 5 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में। लेकिन धन आने के लिए जरूरी है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की, मंगल की, शुक्र की, शनि की, चंद्र मंगल शुक्र शनि या बुध की दशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो धन आने की संभावना ज्यादा बनेगी, क्योंकि बिना दशा के खाली गोचर से धन नहीं आएगा। अगर दशा ऐसे ग्रहों की चल रही होगी जिनका धन वाप से संबंध है तभी उस स्थिति में आपके पास 5 जुलाई से 7 अगस्त तक धन आने की संभावना बनेगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, क्योंकि कन्या राशि से देवगुरु बृहस्पति अष्टम में चल रहे हैं, गोचर में गुरु जब भी 4, 8, 12 में चलता है तो प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत अच्छा योग बनाता है। और अगर बाई चांस आपकी कुंडली में गुरु की, शुक्र की या मंगल की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो आप 16 जून से 20 अगस्त एक अच्छा समय आ रहा है जिसमें अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो आपको फायदा होगा। वर्तमान में अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है और उसकी कोई डेट आती है अगर 30 जून से 18 अगस्त के बीच में तो वो कोर्ट केस की डेट में आपको फायदा होने वाला है। अब हम बात करें सावधानी की। मिथुन लगन व कन्या राशि के स्वामी बनते हैं लग्नेश बुध, और बुध जो होने जा रहे हैं बकरी 23 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में। तो जब 23 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के बीच में आपका लग्नेश बकरी रहेगा इसका मतलब है कोई पुरानी बीमारी का निकल के आना, इसलिए आपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं, और अगर आप वर्तमान में कोई दवा खा रहे हैं तो दवा बिल्कुल मत छोड़िएगा, समय समय पर अपनी जाँच वगैरह करा लीजिएगा, क्योंकि जब लग्नेश बकरी होता है तो पुरानी बीमारी निकल के परेशान करती है। दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखिएगा क्योंकि कन्या राशि से सप्तमेश गुरु अष्टम में चल रहे हैं और वो राहु केतु के अक्ष में हैं और उन पर षष्ठी शनि की दृष्टि है, तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव या परेशानी हो सकती है। उपाय के तौर पर आप रोज जो है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, और अगर आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ न कर सके तो उसको यूट्यूब पर सुन भी सकते हैं मोबाइल पे। और जो महिलाएं जिन जो कुछ पूजा पाठ करने में रुचि रखती हैं वो चाहें तो हर शनिवार को चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं, वो भी अच्छा रहेगा दाम्पत्य जीवन के लिए। और आपको लगे कि आप सुंदरकांड नहीं कर सकते तो आप अपने मोबाइल पे सूर्य अस्त होने के बाद सुंदरकांड चला भी सकते हैं, उससे परिवार का वातावरण भी अच्छा रहेगा, घर के वास्तु दोष भी दूर होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा जब तक मोबाइल पे सुंदरकांड चले उस अवधि में आप कुछ खाइएगा मत, छोटे बच्चे खा सकते हैं पर बड़े लोग नहीं खा सकते। साथ ही मिथुन लगन से शनि महाराज वक्री होकर अष्टम की तरफ आ रहे हैं, इसलिए पिता के स्वास्थ्य को चिंता विशेष कर्तव्य। अगर आप घर के बड़े पुत्र हैं तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मिथुन लगन व कन्या राशि के जातकों के लिए एक चिंता की बात यह है कि जून से सितंबर की अवधि के बीच में मिथुन लगन के स्वामी पंचमेश शुक्र भी वक्री होने वाले हैं, जिसके कारण आपको संतान से जुड़ी कोई चिंता जो है इस अवधि में परेशान कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव में केतु चल रहे हैं और शनि वक्री होकर पंचम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जिसके कारण संतान से जुड़ी कोई ना कोई चिंता आपको जून से सितंबर के बीच में परेशान कर सकती है। तो मेरा मानना है अगर आप मिथुन लगन व कन्या राशि के जातक हैं तो जून से सितंबर तक का समय आपके लिए 58% तक बढ़िया जाने वाला है। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि मिथुन लगन व कन्या राशि के लिए आने वाले 3 महीने कैसे हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा
प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।